तो हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन स्टेट ब्लॉगर पर। दोस्तों आज मैं हूँ महासमुंद से लगभग 100 किलोमीटर दूर बरतिया भाटा में। बरतिया भाटा का वीडियो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखिएगा किस प्रकार से बरतिया भाटा में। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से बरतिया भाटा में जो बारात आए थे वो लोग पत्थर में तब्दील हो गए थे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों गाँव का नाम ऐसे ही बरतिया भाटा नहीं पड़ा है, आइए जानते हैं बरतिया भाटा। लिखा हुआ है बरतिया भाटा, महासमुंद से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बरतिया भाटा के गांव के बारे में गांव वालों से मिलवाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं हूं बरतिया भाटा गांव में, यहां के जो बुजुर्ग लोग हैं वहां से यहां सुनते हैं किस प्रकार से यहां गांव का इतिहास रहा है। दादा जी बताओ कि ये बरतिया भाटा गांव कैसे पड़ा? मैंने पुराना जमाना में मन बरात गए हैं, अब कहां के काए ओला मैं नहीं जानो, अब यहां आके रुके हैं तो मन सब पथरा हो गए। और पथरा मन आज भी होही हो है हवे हां मैंने कहा एक घर घड़ी बने नहीं तो खुद को दब गए दब गए। हाँ। तो ये बात है कब जमाना के साल होगी सोही? एला में उत्कल में मोला तो हो गए ने 77 साल। 77 साल तो उत्कल में बता नहीं सको, बहुत पुराना। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर गांव के बुजुर्ग दादाजी ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर बरतिया भाटा का नाम पड़ा। और चलिए मैं आपको लेकर जाऊंगा जहाँ पर जो आज भी वहाँ पर पत्थर है। तो दोस्तों मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर आज भी वो पत्थर है, जहाँ पर जो भी बराती यहाँ पर आए थे वो पूरा पत्थर में तब्दील हो चुके थे। मैं आपको वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पर पूरा पत्थर अभी भी मौजूद है। ये भाई लोग मिले हैं गांव में, ये लोग लेकर जा रहे हैं तो उन्हीं लोग के साथ में। और एक बात और बताना चाहूंगे, दादाजी मिले मेरे साथ हैं, ये आंगनबाड़ी। ये पत्थरा तो दोस्तों ये पत्थर है, इन लोग पूरा पत्थर में तब्दील हो गए थे जब इन लोग बारात आए थे। तो ना ये पत्थर एक ही बस बहुत सारा है। अच्छा, और एक और है वहाँ पर, ये वाला पत्थर है। ये वाला पत्थर इन लोग पूरे सब जो लोग बरात आए थे इन लोग पत्थर बदल गए थे भाई। कहाँ दोस्तों कई साल पुराना हो गया था, इस कारण से जब सब लोग अपना अपना घर बनाने चालू कर दिए हैं तो इस पत्थर को हटाने की तैयारी हो रहा है पूरा भी। अरे भैया जी मिले है, कहाँ जा था दीगा, कहाँ जा रहा था एड है। एक पत्थर भाई साहब यहाँ है, ये वाला पत्थर पूरा गांव में ही, पूरा पत्थर गांव भर पूरा गांव। अच्छा, ये पूरा पत्थर ही सब लोग पूरा। ये पूरा आंगन में घर में हम लोग आ गए हैं। और पूरा देखा जाए कि ये पूरा पत्थर और पूरा आंगन में पूरा पत्थर ही है। ये देख लो पूरा सब भाई साहब, पूरा नीचे में जब इन लोग घर बनाना चालू किए तो पत्थर को साइड किए या फिर नीचे में पूरा दबकर ही रह गया है। वो वाला पत्थर है, अब घर बन गया है ना।
ये लोग पूरा पहले आदमी थे जी। पहले जब बोलते थे कि ये पूरा आदमी आदमी थे, अब इन लोग जब यहाँ बारात आए थे तब पत्थर बदल गए। चलो ठीक, इसके इतिहास कोई बुजुर्ग हुआ तो उससे मैं पूछूंगा। ये पूरा घर में पूरा आइट साइड पूरा पत्थर पत्थर दिखने के लिए मिल रहा है। तो नाम का है रवि लाल यादव। और तुम्हारे का? मयंक यादव। और तोर भाई? राम प्रकाश चौहान। तो ये भाई लोग है मेरे को गांव में घुमा रहे, पत्थर दिखा रहे। तो दोस्तों, जब से गांव में आवास घर बनाना चालू हुआ है तब से यहां पूरा जितना भी पत्थर है उसको साइड करके घर ही बना रहे हैं। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वहां से, इसका इतिहास में पूरा जानकारी वही लोग ही बता पाएंगे कि किस प्रकार से यहां पर तो बरतिया गाँव भाटा का नाम पड़ा। ए भैया, मोर रास्ता मिले है, अब एकर मैं पूछूं बरतिया भाटा का नाम कैसे पड़ी, गांव के इतिहास कैसे है। भैया नाम का हैगा? पवन। पवन अभी कहाँ जाते रहे? मैं घर आता हूँ। घर जाते रहे तो बता ना बरतिया भाटा का नाम कैसे पड़ी। बरात जाते हैं तो कर बैठे रहे सब लहुट गई। लहुट गई घर बने करा तो देखे ना। हाँ सब पखना मन सब पहले घर नहीं रही तो अब नहीं दिखते सब पार्ट पार्ट देने पखना ले नहीं तो सके। एक कौन समय की बात है, बहुत पुराना है, 10 साल हो है बने है घर में। नहीं नहीं बहुत पुराना है मन, बहुत पुराना है ना। और तो एक कैसे कुछ बता ना एक बारे में का कारण से मन पत्थर में हुई कैसे बढ़ते हैं कैसे वहाँ तो ठहरे रहे पर कैसे लहूट गए तहुंगे रहे है? तहुंगे रहे नहीं नहीं सुने आपको जमाना लेना और कोई बात नहीं का जाना है चलना ठीक। तो दोस्तों, ये है बरतिया भाटा गांव का कुछ इतिहास। और वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।